बड़ी खबर आ रही है बहराइच हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर। इस वक्त हम आपको बता रहे हैं एसपी देहात पवित्र मोहन त्रिपाठी हटाए गए, डीजीपी मुख्यालय से संबद्ध किए गए हैं। एएसपी दुर्गा प्रसाद तिवारी को बहराइच में तैनाती मिली है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं बहराइच हिंसा में यहां पर एक्शन लिया गया है। और राजीव हमारे संवाददाता बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और राजीव, एएसपी पर गाजगिरी है, उनको हटा दिया गया है, डीजीपी मुख्यालय से संबद्ध किया गया है। देखिए अनुपम, बीते दिनों बहराइच में हुई हिंसा के दौरान रामगोपाल नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की घटना हुई थी, जिसको लेकर पूरे जिले में जो शांति व्यवस्था थी वो भंग हुई थी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ये निर्देश दिया था और भरोसा दिया था कि जो भी जिम्मेदार अफसर होंगे जिनकी लापरवाही से ये घटना घटी है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उसी के बाद सबसे पहले स्थानीय इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया था, स्थानीय सीओ को निलंबित किया गया था और उसके बाद अब एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जो बहराइच के एसपी ग्रामीण पवित्र मोहन त्रिपाठी हैं इनको हटाया गया है। जल्दी अनुपम कुछ अन्य बड़े अफसरों की जिम्मेदारी जवाबदेही तय हो सकती है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है, उनके भी तबादले किए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिया था कि किसी भी शख्स को इस हिंसा के जिम्मेदार को बख्शा नहीं जाएगा, आरोपियों को पहले ही एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और अब उन अफसरों की भी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जा रही है जिनकी लापरवाही से ये घटना हुई थी। इससे पहले अब तक इस मामले में चार बड़े अधिकारियों को हटाया गया है, सीओ एडिशनल के साथ तहसीलदार को भी हटाया गया है, उनका तबादला किया गया है। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ी कार्रवाई है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द कुछ और बड़े अफसरों पर भी गाज गिर सकती है। बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। कानपुर में लापता लड़की को तलाशकर परिजनों तक पहुंचाने के दौरान एक दरोगा पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। लापता युवती को मुंबई से कानपुर लाते वक्त छेड़छाड़ की शिकायत की गई थी। परिजनों के आरोप के बाद दरोगा के खिलाफ जांच चल रही थी। आरोप सही पाए जाने पर कमिश्नर ने लाइन हाजिर किया है। थाना रेल बाजार के अंतर्गत एक जो है वो प्रार्थना पत्र गुमशुदगी प्राप्त हुई थी कि एक युवती जो बालिक थी वो कहीं गुम हो गई है, जिसमें चौकी इंचार्ज फेथफुलगंज, जिनका नाम गजेंद्र सिंह था, इनको लगाया गया था। इन्होंने युवती को बरामद किया और उसी दौरान जो है कुछ अभद्र व्यवहार और बैड टच की बात जो है वो प्रकाश में आई है। इस बात को जो है वो जब जांच के दायरे में लाया गया और जांच की गई तो तथ्य सही पाने पर तत्काल प्रभाव से इनको जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है और इसमें जो अग्रिम विधिक कार्यवाही है वो की जा रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पहुंचे और विधि विधान से बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर पहुंचने पर मंदिर सेवायत ने मंत्री और उनके परिजनों को पूजा कराई और ठाकुर जी की प्रसादी और अंगवस्त्र भेंट किए। तो ये तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं गजेंद्र शेखावत बांके बिहारी मंदिर पहुंचे, विधि विधान से बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की। ब्रेक के बाद गोरखपुर के रामगढ़ ताल की लहरों पर एक बार फिर से रोमांच देखने को मिलेगा। 23 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक जूनियर लेवल का रोइंग प्रतियोगिता शुरू हो रही है। इसमें देश के 20 राज्यों के 267 खिलाड़ी भाग लेंगे। सब जूनियर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता है जिसमें देश के विभिन्न अंचलों से 20 राज्यों की टीम खिलाड़ी 276 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और ये प्रतियोगिता 500 मीटर की है। आने वाला कल को रामगढ़ ताल हमारे हिंदुस्तान में नहीं विश्व पटल में उसको जानेंगे, क्योंकि इतना आइडियल जल है, यहाँ पे लोकेशन है शहर के बीच में, सुविधाएं हैं, यहाँ पे इतने विश्व स्तरीय कहीं पे भी नहीं है। हम लास्ट ईयर बेलगेट जब गए थे वर्ल्ड चैंपियनशिप में, उससे सुंदर पानी, उससे सुंदर छटा बिगड़ती हुई ये रामगढ़ ताल है। 23 अक्टूबर से गोरखपुर के रामगढ़ ताल में रोइंग प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा। इसमें जूनियर लेवल के खिलाड़ी भाग लेंगे। देश के 20 राज्यों से 276 खिलाड़ी भाग लेने के लिए यहां पे आ रहे हैं। आज से वो खिलाड़ी गोरखपुर पहुंच रहे हैं और इसी में 500 मीटर की ये प्रतियोगिता होगी और 500 मीटर में 5 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य पदक रखे गए हैं। सिंगल डबल की प्रतियोगिता होगी और जो खिलाड़ी इसमें जीतेगा वो यहाँ से इनाम लेके जाएगा, लेकिन जो खिलाड़ी यहाँ से जीतेगा नहीं वो बेहतरीन अनुभव लेके जाएगा, क्योंकि आयोजकों का कहना है कि इस तरीके का वातावरण देश में तो नहीं है, विश्व में भी कई जगहों पे नहीं है।
अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। यूं तो पहाड़ में पर्यटक गर्मी से राहत पाने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरोवर नगरी नैनीताल इन दिनों पर्यटकों से पूरी तरह से गुलजार है, लेकिन साथ ही स्थानीय लोग जो है कोटद्वार के जाड़ी चौड़ समेत रामपुर और सने इलाके में हाथियों की दहशत बनी हुई है। रात के समय हाथियों का झुंड गांव में धमक जाता है और खेती बर्बाद कर देता है। हाल ही में हाथियों के झुंड ने इलाके में दीवार और गेट भी तोड़ दिया, साथ ही कई जगह फसल को भी रौंद दिया। वहीं हाथियों की दमक से परेशान ग्रामीणों ने वन विभाग से इलाके में रात गश्त लगाने की मांग कर रहे हैं। दोनों ही इलाके जंगल से सटे हुए हैं, ऐसे में आए दिन इन इलाकों में हाथियों की दमक बढ़ जाती है। सरोवर नगरी नैनीताल इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है, लेकिन साथ ही स्थानीय लोग जाम से बेहाल हैं। पहाड़ में पर्यटक गर्मी से राहत पाने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन सैलानियों की बड़ी तादाद जाम का सबब बन जाती है। विंटर सीजन के दौरान पहाड़ पर्यटकों से गुलजार होने लगे हैं। मॉनसून के बाद पर्यटक पहाड़ की खूबसूरती को निहारने पहुंच रहे हैं। खास तौर पर बंगाल और गुजरात के पर्यटक कैची धाम और रानीखेत समेत दूसरे हिल स्टेशन पहुंच रहे हैं। बहुत मजा है, अभी तो वेदर भी काफी अच्छा हो गया है, तो अभी तो हम लोग को लग रहा है कि मतलब व्यू अच्छा मिलेगा, क्लियर वेदर है, इसलिए हम लोग आए हैं। हम लोग तो पहाड़ इसलिए आते हैं कि हम लोग को हिमालय देखने को मिलेगा, क्लियर व्यू मिलेगा, यही मेन पॉइंट है। और यहाँ तो लेक है, इसलिए लेक और पहाड़ एक साथ देखने को मिलेगा, इसलिए आए हैं। गौरतलब है कि दशहरा से दीपावली तक पहाड़ों में ऑटम सीजन चलता है, इस दौरान बड़ी तादाद में पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। जबकि वीकेंड पर तो हालात ये है कि सड़कों पर घंटों का जाम भी झेलना पड़ रहा है, वहीं पार्किंग की भी समस्या लोगों को परेशान कर रही है। हालांकि पहाड़ में बढ़ रही सैलानियों की तादाद से कारोबारी और सरकार दोनों खुश हैं। जो भीड़ उमड़ रही है सैटरडे संडे को तो निकलना मुश्किल, चार चार पांच पांच घंटे तो हम रुक जाते हैं। इसी तरह से हमारे बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी में और हमारे ऋषिकेश हरिद्वार में जो भीड़ आ रही है, पर्यटक आ रहे हैं, वो अनुकरणीय है, हमारे लिए उत्साहवर्धक है। सब समस्याओं का समाधान आप जानते हैं, जैसे समस्याएं आते हैं समाधान की योजनाएं बनती है। हमारी सरकार अगली बार से भीड़ कम हो, व्यवस्थित हो, अच्छी तरह से सबको हर जगह के दर्शन मिले, पर्यटकों को सुविधा मिले, इसके लिए बहुत सारे स्टेप उठा रही है। बहरहाल बारिश के बाद पर्यटकों की भीड़ आने से पर्यटन कारोबार पर पंख तो लगे ही हैं, रोजगार भी यहाँ के लोगों को मिल रहा है। हालांकि अगर सुविधाओं का विस्तार हो तो पर्यटकों की तादाद और भी बढ़ सकती है। न्यूज 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।